पाव भाजी। कुछ हुआ क्या मेरे डबल वाली हस्बैंड के साथ? अंशिका प्लीज इमोजी चैलेंज करो, दीदी प्लीज इमोजी चैलेंज करिए। अंशिका बेटा बहुत ज्यादा इमोजी चैलेंज देखने का मन कर रहा है, सो यू करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, क्या है पॉटी प्लस कौन पॉटी कौन? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अ क्यूट लवली अंशिका। एंड फिलहाल आज मम्मा ने खाने में बनाया पाव भाजी। और इधर हमारी मस्त सी भाजी, यहाँ पे मस्त सी मैं। अभी फिलहाल मेरी छुट्टियाँ होना बाकी है, तो चलो अभी अपना खाना खाते हैं। और गाइस आपको पता है हमारे ना स्कूल के शूज़ चेंज हो गए हैं, वो ये वाले हो गए हैं, देखो ये वाले हमारे शूज़ हो गए हैं। काश ऐसा असली में हो जाता तो मज़े आ जाते। हियर माई बैक पैक इज रेडी, और यहाँ पे मेरा बॉटल, कल मैं बॉटल स्कूल ही में छोड़ के आ गई या फिर पता नहीं मेरे बैग से गिरा या क्या हुआ, आज देखेंगे। सो हियर इज माई बैक पैक एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, आई मीट यू आफ्टर स्कूल, बाय बाय। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अरे मैं नहीं बाबा, मेरा खाना यहाँ पे है, मेरा खाना जिसमें यहाँ पे है अचार चावल प्याज जो कि मैंने खुद से बनाया है, एंड यहाँ पे है आलू की सब्जी। नहीं यार, आलू टमाटर मटर की सब्जी है, लेकिन मैंने मटर एक भी नहीं लिया है, आपको एक भी मटर नहीं दिखेगा। एंड द बेस्ट थिंग हियर इज दिस रायता, रायता इसके बगल में था लाल मिर्च। हाँ, सो नाउ लेट्स एंजॉय अवर फूड, और मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। सो अभी फिलहाल मैंने खाना खा लिया है, एंड हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर क्यूट लवली अंशिका, एंड आई एम बैक फ्रॉम स्कूल जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और अभी फिलहाल मैंने खाना वाना भी खा लिया अच्छे से, आई एम टंच, एंड अभी रात में मुझे जाना है पार्टी के लिए, तो जिसके लिए मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, इसलिए मेरे को वॉश करना है उसको। रुक जाओ, नहीं ले पाई। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही। सो हे, वॉश करके फाइनली मैं आ गई, एंड बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बहुत ज्यादा। सुबह नहा के नहीं गई थी? गई थी मैं नहाकर। तो अभी आप कंफ्यूज करा रही हो। नो गाइस, मैं सुबह में एक्चुअली नहाकर गई थी, बट सुबह इतनी सारी ठंड रहती है ना कि मतलब हेयर वॉश करने में बनता ही नहीं है, क्योंकि मम्मा को अलग डर लगता है कि अगर गीले बाल में थोड़ी सी भी हवा लग गई तो मेरा हेडपेन हो जाएगा, इसीलिए वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सुबह में नहीं किया था। और आप ज़्यादा व्यूअर्स को कन्फ्यूज करने की कोशिश मत करो। एंड यहाँ पर मेरी बहन सो रही है। हे बहन, उठ बहन। ऐसा कौन करता है? अभी पढ़ाई कर लो फिर, शाम को पार्टी में जानी है तो पढ़ाई कराऊंगी आप क्या? सो अभी मैंने अपनी डबल वाली हेयर बैंड लगाई। कुछ हुआ क्या मेरी डबल वाली हेयर बैंड के साथ? ये आपने किया है? मैं, हम क्यों करेंगे मम्मा? फाइनली अब मेरा डबल वाला हेयर बैंड ठीक हो गया है। देखो ये डबल वाला हेयर बैंड है, बट इसको लगा कि मैं डबल नहीं बनती हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। सो ओके, आप लोग की हम्बल रिक्वेस्ट पे मैंने ये इमोजी चैलेंज लाया, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो अंशिका प्लीज़ इमोजी चैलेंज करो, दीदी प्लीज़ इमोजी चैलेंज करिए, अंशिका बेटा बहुत ज़्यादा इमोजी चैलेंज देखने का मन कर रहा है, सो इमोजी चैलेंज करो। सो ठीक है, ज़्यादा फेकू ना बनते हुए अब हम सच पे आते हैं, क्योंकि मेरा खुद का मन कर रहा था इमोजी चैलेंज बनाने का, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी इमोजीज का मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करके रखा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो अभी सबसे पहले हम गैलरी खोलेंगे, नेट या मैंने बहुत सारे सेव करके रखे हैं, बट मुझे उनमें से एक का भी आंसर नहीं पता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट इमोजी है ये वाला,
मैं स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जाके। फर्स्ट का है एक कैट और प्लस एक लड़की, कैट गर्ल, कैट कैट वुमन, कैट कैट, आई थिंक कैट गर्ल। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो इसमें आंसर नहीं है एकदम भी, इसलिए मेरे को आंसर नहीं पता है। सो अगर आपको पता है सो लेट मी नो इन द कमेंट। सो कैट गर्ल मेरे हिसाब से फर्स्ट का कैट गर्ल है। सेकंड का डेन है डेंटिस्ट, क्योंकि दांत जहाँ पर भी दिखता है गाइस वहाँ डेंटिस्ट होता है, सो एज यू कैन सी सेकंड है हमारा डेंटिस्ट गाइस, हार्ड हार्ड है। उसके बाद है एक स्माइली वाला एक ये एंड प्लस हॉर्स मैन, हॉर्स मैन एक मिनट, हॉर्स मैन हॉर्स बाद में है, एक स्माइली हॉर्स डिटेक्टिव हॉर्स क्या होगा, आई थिंक हॉर्समैन होगा, मिसप्रिंट हुआ है, हॉर्समैन होगा यार, आई थिंक सो। देखो मैंने पिक्चर ऑलरेडी पिक्चर ऑलरेडी स्क्रीन पे लगी हुई है, सो आप लोग देखो और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या होगा, क्योंकि मुझे तो थर्ड वाले का लग रहा है कि हॉर्समैन होगा। सो चलो अब दूसरा देखते हैं। ओके सो दूसरा इमोजी है हमारा यहाँ पे लगी हुई है पिक्चर, साथ में देखो। ओके ये बहुत इजी है, बर्गर प्लस किंग इज इक्वल्स टू बर्गर किंग। उसके बाद है फेस प्लस बुक, फेसबुक फेसबुक नाउ। उसके बाद आई बी एम, आई एक आंख है, उसके बगल में एक बी है और एम है, आई बी एम आई बी एम। ये भी इजी है, ये फेसबुक है अभी जैसा कि मैंने बताया, गलती से डबल डबल पिक्चर्स वो हो गए, ओके नेवर माइंड। ये है हमारा फेसबुक। नेक्स्ट है ये हमारा इधर पे है, ठीक है। सो कार एटी, कार एटी, कार एटी क्या होता है यार? एक कार की फोटो है यहाँ पे, एक ए है और एक चाय है, कारेटी शायद से, कारेटी कुछ होता है क्या, चैरिटी होता है, चेयर एटी होता तो चेयरिटी हो सकता था, चैरिटी सॉरी, बट कारेटी मुझे लग रहा है कि कार के चार व्हील्स होते हैं, इसीलिए इसका आंसर चैरिटी होगा। एंड आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी चॉइस दो कमेंट बॉक्स पे। सो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके दिस इज कार रेस, कार रेस, क्योंकि यहाँ पे रेस कार हाँ, क्योंकि यहाँ पे रेस हो रहा है, यहाँ पे कार की फोटो है, तो आई थिंक रेस कार। देन वी हैव ये आई प्लस, बोलने में ही समझ आ रहा है, आई प्लस बॉल इज इक्वल ट्राई बॉल। सो कुछ कुछ बहुत इजी है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो नेक्स्ट है ये हमारा, इधर स्क्रीन पे पिक्चर है बट फिर भी दिखा देती हूँ। दिस इज लाइक पसीना छूट रहे है एंड हॉट डॉग, हॉट डॉग। देन वी हैव दिस, इसका है बास्केट प्लस बास्केटबॉल गाइस, इतना इजी इजी ना। हाँ नेक्स्ट वी हैव, इधर है पिक्चर, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी है, मिल्क है और यहाँ पे हैंड शेक हो रहा है, तो हैंड हटा के हम लोग शेक यूज करेंगे। ओके व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, पॉटी प्लस कौन, पॉटी कौन, पॉटी कौन होता है क्या? ओके आई अंडरस्टूड, सो इट्स नॉट पॉटी कॉर्न, इट्स पॉपकॉर्न, नॉट पॉटी कॉर्न, पॉपकॉर्न गाइस, पॉपकॉर्न भाई, ऐसा वैसे ब्लास्ट करने वाला होना चाहिए, व्हाट इज दिस पॉटी कॉर्न। ओके ज्यादा हो गया, इट्स पॉपकॉर्न। नेक्स्ट इट इज वेरी इजी टू गेस द फूड, टोमेटो सूप है ये, क्योंकि टोमेटो प्लस
दाल नहीं है वो, इट्स सूप. सो टमाटो सूप, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. पैन प्लस केक पैनकेक, बस इतना ही है. रुको मैं आप लोग से और देखकर मिलती हूँ. सो नाउ आई एम बैक एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैलेंज. सो फर्स्ट है यहाँ पे गेस द मूवी. कंफ्यूज पूल, आपको पता है ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा चैलेंज है. सोया पूल, ये कौन सी मूवी है सोया पूल? नहीं समझ रहा भाई. चलो ठीक है नेक्स्ट करो फिर. सो ये अगर आपको पता है सो लेट मी नो इन द कमेंट. और अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं क्योंकि अभी मैं एक मार्क्स से लूज कर चुकी हूँ. ओके हाँ ये इजी है. गेस द गेम एंग्री बर्ड. एंग्री प्लस बर्ड इज इक्वल टू एंग्री बर्ड. वी हैव दिस. गेस द वर्ड्स. इधर है हाफ मून की. हाफ मून की नहीं, मून की. मून की, मून की, मून की. और इस मून, इट्स मंकी गाइस. मन प्लस की मंकी, क्योंकि देखो अब वो उतना तो अब मंकी का नहीं देख रहा, इसलिए मौन की, मौन की, मंकी. नेक्स्ट मैं एक फ्रेंच स्टूडेंट हूँ और अगर मुझे ये नहीं आएगा तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है. फ्रेंच फ्राइज. ओके नेक्स्ट आ गया. नेक्स्ट वी हैव दिस पिंक, 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 पिंक. पीछे से पिंक बैकग्राउंड भी दिया हुआ है. सो नाउ ये है गेस द वर्ड है ना. सर्कल बुल नहीं, एक मिनट. रेड बुल. अरे रेड बुल यार, रेड बुल, रेड बुल. दैट्स सो सिंपल. जापान जे है और एक पैन है, बट कंफ्यूज करने के लिए आप एक एग डाल दिया उसके ऊपर से. सो मैं कंफ्यूज नहीं हुई. सो यहाँ पे ये है, इसका आंसर है हमारा जापान. आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी. हॉट चॉकलेट, आइस टी. ओ शिट, वेयर आई वाज. हाँ शू शॉप. शू है और शॉप है. हाँ शू शॉप. बिल्डिंग पेपर. हाँ बिल्डिंग पेपर. बिल्डिंग पेपर क्या होता है? ओके यहाँ पे पिक्चर है अगर आपको पता है सो कमेंट, लेट मी नो इन दी कमेंट. इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? आई डोंट नो. स्टोन पेपर, स्टोन पेपर. अरे स्टोन पेपर सीजर. नहीं आई डोंट नो द आंसर. अगर आपको पता है तो आप लोग बताना, मेरे को लग रहा है स्टोन पेपर है. गेस द कंट्री. ये आई होप मैंने फोटो दिखाई होगी. हाँ गेस द कंट्री है. एस प्लस, इसके सर में कुछ हो गया. एस प्लस हर्ट. एस हर्ट नहीं है, सर्ट कोई कंट्री नहीं है. एस प्लस सैड, एस सैड. व्हाट इज दिस यार? सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी हार्ड एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर यू. सो एस सैड, एस सैड. एस हर्ट, एस हीट. कंट्री अंशी, कंट्री नेम सोचो. स्विट्जरलैंड. लैंड नहीं है. व्हाट कैन इट बी? सो ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा. सो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ. सो
सो फाइनली योर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दी. ओके मजाक कर रही हूँ. सो फाइनली मेरी मनपसंदी वीडियो, एक मिनट, फाइनल टेक. सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. एंड अब आप लोग बताओ कि मैंने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए और कितने मैंने गलत दिए. सो लेट मी नो इन द कमेंट. तब तक के लिए बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.